स्वागत है आपका रेसलिंग चैंपियन यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रॉक लेजनर के बारे में कि कौन फेस कर सकता है ब्रॉक लेजनर को एट समरस्लैम पर, हमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। तो इसके रिलेटेड बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है, तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो WWE ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि कौन करेगा ब्रॉक लेजनर को फेस एट समरस्लैम। WWE ने ये अनाउंस किया है कि एक्सट्रीम रूल्स में मल्टी पर्सन मैच होगा, मतलब हमें एक्सट्रीम रूल्स में फैटल 4-वे, फैटल 5-वे और फैटल 6-वे मैच देखने को मिल सकता है। इस मैच के लिए दो नाम पहले ही कंफर्म हो चुके हैं और वो दो नाम है बॉबी लैशली और रोमन रिंग्स। तो मतलब जो भी इस मैच को जीतेगा वो फेस करेगा ब्रॉक लेजनर को एट समरस्लैम फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। WWE ने अभी दो नाम ऑफिशियली कंफर्म किए हैं, वही दो नाम सबसे फेवरेट हैं ये मैच जीतने के लिए। मतलब इन दोनों सुपरस्टार्स में ही किसी एक सुपरस्टार की जीत देखने को मिलेगी एक्सट्रीम रूल्स में। लेकिन जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं उनका ये मानना है कि ब्रॉक लेजनर 1-on-1 मैच नहीं लड़ेंगे समरस्लैम में, कि वो ट्रिपल थ्रेट मैच और फैटल 4-वे मैच में आ सकते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम रूल्स में सबसे ज्यादा चांसेस हैं रोमन रिंग्स के जीतने के। तो अगर रोमन रिंग्स जीत गए USA के फैंस रोमन रिंग्स को फिर से हेट करने लग जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि रोमन रिंग्स ही जीतेंगे वो मैच। क्योंकि इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस दिन समर स्लैम इवेंट है उस दिन ही ब्रॉक लेजनर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, तो इससे और भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि ब्रॉक लेजनर अपनी चैंपियनशिप ड्रॉप करेंगे एट समर स्लैम और एक न्यू चैंपियन क्राउन होगा। तो जैसा हमने रेसलमेनिया में देखा था रोमन रिंग्स वर्सेस ब्रॉक लेजनर के मैच के बीच WWE फैंस कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, और WWE नहीं चाहेगी कि यही हाल समर स्लैम में भी हो। तो इसलिए हमें ब्रॉक लेजनर का भी मल्टी पर्सन मैच देखने को मिलेगा एट समर स्लैम। तो एक बड़े ट्विस्ट की बात करें तो वो बड़ा ट्विस्ट होगा कि एक्सट्रीम रूल्स में एक कॉन्ट्रोवर्शियल जीत देखने को मिल सकती है। मतलब अगर WWE बॉबी लैशली को सच में ब्रॉक लेजनर के सामने लाना चाहती है एट समर स्लैम, तो कॉन्ट्रोवर्शियल चीज ये हो सकती है कि रोमन रिंग्स और बॉबी लैशली एक ही सुपरस्टार को पिन करें सेम टाइम पर, रेफरी पिन कर दे 1-2-3। मतलब हमें एक्सट्रीम रूल्स के मैच में कोई भी ऑफिशियल विनर देखने को नहीं मिलेगा और ये बात आ जाएगी बॉबी लैशली और रोमन रिंग्स के बीच। फिर शायद WWE इसे ऑफिशियल कर दे कि रोमन रिंग्स वर्सेस ब्रॉक लेजनर वर्सेस बॉबी लैशली ट्रिपल थ्रेट मैच एट समर स्लैम फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। आप लोगों के मन में सेथ रॉलिंस का भी डाउट होगा कि क्या सेथ रॉलिंस इस मैच में आएंगे, क्या सेथ रॉलिंस एक्सट्रीम रूल्स वाले मैच में आएंगे। तो अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि सेथ रॉलिंस अभी हारे हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ब्रॉस डीलर के हाथों। पॉसिबली हमें ये फ्यूड एक्सट्रीम रूल्स तक देखने को मिलेगी, तो इससे कोई भी चांस नहीं बनता कि सेथ रॉलिंस एक्सट्रीम रूल के मैच में आए, बन जाए नंबर 1 कंटेंडर फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। उनका मैच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए होगा एक्सट्रीम रूल्स में। लेकिन ये सिर्फ मेरा कहना था, बाकी WWE का कोई भरोसा नहीं कि सेथ रॉलिंस को कैसे बुक करे। रिपोर्ट्स के मुताबिक और बड़ी अपडेट है कि डीन एम्ब्रोस का रिटर्न भी हमें समर स्लैम से पहले देखने को मिलेगा। माइक जॉन्स ने PW इनसाइडर ने बताया है कि डीन एम्ब्रोस के रिटर्न के बाद उन्हें यूनिवर्सल चैंपियनशिप की पिक्चर में डाला जाएगा। तो मतलब डीन एम्ब्रोस का मैच हमें समर स्लैम में देखने को मिल सकता है, ये मैच होगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो बताइए कि आप समर स्लैम में कौन सा मैच देखना चाहते हैं, मतलब रोमन रिंग्स वर्सेस बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेजनर फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप, या फिर ये रोमन रिंग्स वर्सेस ब्रॉक लेजनर वर्सेस डीन एम्ब्रोस फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और WWE की लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। We'll be right back.